बेटियों के लिए बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क विद्यालय है। हमारे यहाँ बेटियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। सर हमारा विद्यालय ऐसे है जहाँ चार लैंग्वेज में हमारी असेंबली होती है। सर पढ़ाई की शुरुआत जहाँ असेंबली से ही शुरू होती है वहाँ आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू हर दिन के हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज यानी भाषाओं में हमारी प्रार्थना सभा शुरू होती है। सर आज हमारा स्कूल एक स्पेशल ऑर्गेनाइज किया है क्विज कॉम्पिटिशन। आप जलेबी समोसा चाट के साथ जवाब भी दे सकते हैं और आपको प्यार का प्राइजेस भी मिलेंगे। विद्यालय जो है वो बाकी स्कूलों के जैसे प्राइवेट स्कूल नहीं है जो कमाने का जरिया है। आजकल जो विद्यालय है वो एकदम व्यवसाय बन गया है। बच्चों के पढ़ाने के नाम पे 10,000, 5,000, 20,000, 1,00,000 तक फी लोग ले रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे छपरा जिला में पहला स्कूल ऐसा है जो 1 रुपए भी कमाने के उद्देश्य से नहीं किया। जितनी भी बेटियां हैं वो शिक्षित हों ताकि हमारा समाज एक नई दिशा ले सके। इतना बड़ा कैंपस के साथ आपको पटना में भी ढूंढते रह जाइएगा सर, नहीं मिलने वाला। कैंपस ही सिर्फ नहीं है, सारे संसाधन वहाँ मालूम है। मकर संक्रांति के मौके पर बनियापुर के हरि आश्रम क्षेत्र मेला में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दरअसल 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के मौके पर पूरे देश में चूड़ा, दही और तिलकुट खाने का रिवाज है, लेकिन ऐसे में संत जलेश्वर अकादमी के द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस मौके पर बहुत सारे स्कूली बच्चों ने भाग भी लिया। अच्छा बताओ इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों के अंदर की प्रतिभा को निखारना था। गुनगुनाती धूप में हरि आश्रम क्षेत्र मेला में संत जलेश्वर अकादमी के द्वारा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन देखते बन रहा था। इस मौके पर संत जलेश्वर अकादमी की स्थापना उसका उद्देश्य लोगों के बीच, बच्चों के बीच बताया गया। आम लोगों के बीच विद्यालय की खूबियां भी बताई गई। शिक्षित समाज के लिए बेटियों की शिक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए समाज में यह जागरूकता भी फैलाई गई कि शिक्षित बेटियां, विकसित बेटियां कैसे देश एवं समाज में अपना परचम लहरा रही हैं। शिक्षित बेटियां, विकसित बेटियां संकल्प को दोहराया गया। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, जबकि उससे 2 साल पहले से ही स्थापित संत जलेश्वर अकादमी की स्थापना के साथ ही संस्थापक इंजीनियर सचिदानंद राय ने बेटियों को निशुल्क शिक्षा का सपना देखा जिसे साकार करने में जुट गए। जी नमस्कार आप सबको। हम अपने स्कूल से इसलिए निकल करके आए ताकि हम बता पाएं लोगों को कि हमारे यहाँ बेटियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। हम चाहते हैं कि परिवारों में जितनी भी बेटियाँ हैं वो शिक्षित हों ताकि हमारा समाज एक नई दिशा ले सके, क्योंकि अगर समाज को नई दिशा देनी है तो वो बेटियों को शिक्षा दे करके ही मिलेगी। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मैं अनुपमा मिश्रा, मैं प्रिंसिपल हूँ संजलेश्वर अकेडमी की। बालिका शिक्षा को लेकर जिला ही नहीं बल्कि राज्य का इकलौता ऐसा विद्यालय है जहाँ बेटियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। यहाँ की छात्राएँ राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अपने दमखम को दिखाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। बच्चों ने मेला का भ्रमण किया, इसके साथ ही प्रतियोगिता में शामिल होकर अपनी प्रतिभा का परिचय भी दिया। विजेता प्रतिभागियों को विद्यालय प्रबंधन ने पुरस्कृत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सर इस मेले में हम लोग जो क्विज करवा रहे हैं इसका उद्देश्य ये है कि लोगों को अपने विद्यालय की विशेषता बताना, क्योंकि लोग अभी तक अज्ञान में हैं कि ये विद्यालय जो है वो बाकी स्कूलों के जैसे प्राइवेट स्कूल नहीं है जो कमाने का जरिया है। आजकल जो विद्यालय है वो एकदम व्यवसाय बन गया है। बच्चों के पढ़ाने के नाम पे 10,000, 5,000, 20,000, 1,00,000 तक फी लोग ले रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे छपरा जिला में पहला स्कूल ऐसा है जो 1 रुपए भी कमाने के उद्देश्य से नहीं किया।
और हमारे जो इंजीनियर साहब हैं वो अभी एमएलसी हुए हैं, तो कोई कहेगा कि समाज का जो सेवा करे या सुधार करे, वो एमएलसी होने के पहले से विद्यालय की स्थापना 2012 से हुई है, तो वो इसलिए खोले हैं कि हमारे बालिकाएं पढ़ पाए, हमारे क्षेत्र की बालिकाएं पढ़े और पढ़ रही हैं। 2014 में प्रधानमंत्री स्लोगन लाए थे जी सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी सर, उससे पहले से हमारे यहाँ है सर, 2012 से हमारा स्कूल है सर, और इस उद्देश्य को हम लोगों तक लाए हैं, खुद आए हैं लोगों को बताने कि हमारे यहाँ शिक्षा किस स्तर की है, किस स्तर आपके यहाँ बेटियों को। बिल्कुल बिल्कुल सर, और इसको हम बताने के लिए यहाँ आए हैं, इस माध्यम से हम लोगों को बता भी रहे हैं और लोगों को ये भी दिखाना है कि हमारे शिक्षक कैसे, हमारे प्रधानाचार्य जो है प्रिंसिपल मैम जो है अनुपमा मिश्रा, वो भी स्वयं आई है लोगों के बीच कि लोग हमें जाने कि हमारा स्कूल कैसा है और हम लोग क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के लिए साहब भी हैं, ये विकास करना चाह रहे हैं, विकास के साथ साथ बच्चियों को पढ़ाना चाह रहे हैं सर, हमारे जिले की बच्चियाँ किस तरह से। स्कूल की खासियत क्या है सर, एक हो तो बताएं सर, बहुत सारी खासियत है, इतना बड़ा कैंपस के साथ आपको पटना में भी ढूंढते रह जाइएगा सर, नहीं मिलने वाला। कैंपस ही सिर्फ नहीं है, सारे संसाधन वहाँ मालूम है सर, स्मार्ट क्लास हो, कंप्यूटर हो, लाइब्रेरी हो, साइंस लैब हो, अलग से बच्चों को पढ़ाने, कमजोर बच्चों के लिए अलग से करना, स्पोकन क्लास हो, हमारे यहाँ संस्कृत होती है सर, हमारा विद्यालय ऐसे है जहाँ चार लैंग्वेज में हमारी असेंबली होती है सर, पढ़ाई की शुरुआत जहाँ असेंबली से ही शुरू होती है, वहाँ आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, हर दिन के हिसाब से अलग अलग लैंग्वेज यानी भाषाओं में हमारी प्रार्थना सभा शुरू होती है सर, इससे आप जान सकते हैं कि हम कितने स्तर तक बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं और कहाँ तक भारत की संस्कृति को भी बचाना चाह रहे हैं, यहाँ की भाषाओं को भी बचाना चाह रहे हैं और अपने बच्चों को भी। हम लोग क्षेत्र में भी अभी इस तरह से जाते हैं तो लोग बोले कि ना बच्चे का एडमिशन करा देंगे, बच्चे अरे बच्चियाँ फ्री है आइए आपका स्वागत है, हम ये बताते हैं और उद्देश्य भी हमारा यही है कि हम खुद मेले में आए। सर बेटों का फी लगता है, बाकी स्कूल से कम है, लेकिन बिल्कुल बेटियों के लिए बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क विद्या है सर। क्या नाम हुआ मैम आपका? सर मेरा नाम ममता दुबे है और मैं यही बनियापुर से हूँ सर। यह सच है कि इंजीनियर सच्चिदानंद राय एमएलसी हैं, लेकिन राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने स्कूल की स्थापना की और अपने सपने को साकार करने में आज भी अनवरत जुटे हुए हैं। उनका सपना है कि उनके जिले ही नहीं बल्कि उनके राज्य की बेटियां शिक्षित हो। कैमरा पर्सन अमित के साथ कुमार गौतम, द एच डी न्यूज पटना।